Assalamualaikum, my name is Roshni Rauf and welcome to my channel. आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज की ही इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म कर दें. पार्ट इसके 11 है टोटल, 9th हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टू पार्ट्स भी इसी वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे. इस वक्त आपके सामने जो विंडो ओपन है ये एक मैथ्स का लेक्चर है और उसके एनालिटिक्स हैं, मतलब कि एक स्टूडेंट ने इस वीडियो को कितनी देर तक देखा है. तो आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर महज 0.48 सेकंड्स तक इस वीडियो को देखा गया है. नॉर्मली जो सा एवरेज व्यू ड्यूरेशन है किसी भी वीडियो के ऊपर वो 2 मिनट्स का होता ही होता है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.48 सेकंड्स का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है. और ये सिर्फ इस एक लेक्चर के साथ नहीं है, बहुत से मैथ्स के लेक्चर ऐसे हैं जिसमें इसी तरह से व्यू ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम है. इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है और मैं अच्छे से जानती हूँ, और वो रीजन ये है कि मैंने डाउनलोड का बटन जो है अपने वीडियोज के ऊपर उसको एक्टिव रखा हुआ है. इसकी रीजन ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फौरी तौर पर समझ नहीं पाते, वो लेक्चर्स डाउनलोड कर लें और बाद में देख के अच्छे से समझ सकें. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहली दफा भी लेक्चर को अच्छे से देखो ही ना, ठीक है. सो इसी वजह से आज से ये करेंगे कि अपनी तमाम तर वीडियोस के ऊपर, लेक्चर्स के ऊपर एक टारगेट रख लेते हैं कि इतना टारगेट जब कंप्लीट होगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड करूंगी. एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपको इंक्रीज करना होगा, मतलब कि किस तरह से आप लेक्चर जब लेते हो कम अज कम आधा लेक्चर आपको ऑनलाइन ही सुनना है, उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है. एंड सेकेंडली ये जो सा वॉच टाइम, ये जो आवर्स हैं इसको आपको इंक्रीज करना है. एटलीस्ट एक वीडियो के ऊपर जब 10 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया करूंगी. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ऑलरेडी आप 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसी वजह से मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि अब तो आपको समझ आ गई होगी कि किस क्वेश्चन में हमें पहले एक्सपेंड करना है, किस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है और किस क्वेश्चन में पहले प्रॉपर्टी यूज़ करनी है देन एक्सपेंशन करनी है. सो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ज़रा ख़ुद से पहले एनालाइज करें, गौर से देखें और आपका दिमाग क्या कह रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ. अगर इस मैट्रिक्स को इस वक्त देखा जाए, एक्सपेंशन अगर हमें इसकी करनी पड़े तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी चौड़ी एक्सपेंशन होगी और मल्टीप्लिकेशन हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी तमाम तर वैल्यूज़ जो सी हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट के, उनमें कोई भी ज़ीरो नहीं, कोई भी वन नहीं है, बल्कि दो दो तीन दो दो वैल्यूज़ मौजूद हैं या एक एक वैल्यू मौजूद है. सो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लंबी हो सकती है. सो इसी वजह से पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही सोचा आपने, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी एक्सपेंशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा. सो हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा हम किस तरह से बना सकते हैं. ये कॉलम नंबर 1 है आपके पास, आप देख सकते हो. अगर कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और 3 को प्लस कर दिया जाए, मतलब कि कॉलम नंबर 1 के अंदर आप क्या प्लस कर दो, कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 3 को, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास a प्लस बी प्लस लैम्डा तीनों जगह पर बन जाएगा. किस तरह से बनेगा हम देख लेते हैं. a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा. उसके बाद फिर से इसको जब इन दोनों में प्लस करेंगे तो फिर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा. फिर इन दो तीनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा. ठीक हो गया, अब ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 बन गया है. बाकी की वैल्यूज़ एज इट इज़ आपने लिख लेनी है, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना. सो यहाँ पर आ गया सी प्लस लैम्डा एंड हमारा डिटर्मिनेंट हो गया क्लोज. अब अगर आप देखो कॉलम नंबर 1 में आपके पास सारी सेम वैल्यूज़ हैं, तो आप अच्छे से जानते हो आपको क्या करना है, आपको कॉमन ले लेना है. किस चीज़ को कॉमन लेना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा को. कहाँ से कॉमन लेना है, फ्रॉम कॉलम नंबर 1. या आप जैसे भी लिखो, बस आपकी अपनी ज़ुबान है, आप जैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बस अच्छे से, यानी कि छोटे आपने कोशिश करनी है ब्रीफली लिखो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए. अब जब आप इसको कॉमन ले चुके होगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 एंड 1, बी सी बी प्लस लैम्डा सी बी एंड सी प्लस लैम्डा. अब आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर बाहर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया और बाकी सारी वैल्यूज़ हमने ऐसे लिख ली हैं. अब एक बार ज़रा गौर से देखिएगा कि हमारे पास कॉलम नंबर 1 में सारे 1, 1, 1 आ चुके हैं. अब हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि ये जो कॉलम नंबर 1 में है ना, कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ पर ज़ीरोज भी मौजूद हों, क्योंकि जब ज़ीरो आ जाता है ना तो एक्सपेंशन करने में बहुत आसानी हो जाती है. जैसा कि आपने
प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है, यहाँ पर हमने क्या किया था, जब यहाँ पर 111 मौजूद था कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पर जीरोस बनाए। सेम टू सेम वही तरीका है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आप सोल्व ना कर सकें। सेम टू सेम उसी तरह से रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को और रो नंबर 3 में से भी रो नंबर 1 को माइनस करवा देंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा एज इट इज़ आ गया। अब अंदर की वैल्यूज़ में हमारी जो रो नंबर 1 है वो तो ऐसे ही आ जाएगी ना, 1, बी और सी। 1 माइनस 1 1 आ जाएगा, बी प्लस लैम्डा माइनस बी खाली लैम्डा आ जाएगा क्योंकि बी माइनस बी ख़त्म हो जाएगा, और जब सी माइनस सी किया जाएगा तो 0 आ जाएगा। ऐसा ही है, अब रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 को माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 0, सॉरी यहाँ पर 0 था, 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी 0, सी प्लस लैम्डा माइनस सी खाली लैम्डा। ऐसा ही है, अब हमें क्या करनी है, एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन करनी कहाँ से, हमें एक्सपेंडिंग बाय कॉलम नंबर 1, ठीक है, प्लस माइनस एंड प्लस। अब आप क्लियरली देख सकते हो हमारा आंसर जो है वो तकरीबन आ चुका है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू, अब ये वाली जो सी वैल्यू है कैसे लिखेंगे, लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा, उसके बाद माइनस 0 और प्लस 0, क्योंकि आपको अच्छे से पता है 0 के आगे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो 0 ही होने वाली हैं। इस वजह से लिखने का या ना लिखने का कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है, इस वजह से हमने ना लिखना ज़्यादा प्रेफर किया। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऊपर से ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा लैम्डाज आर लैम्डा स्क्वेयर माइनस 0 0s आर 0। अब लैम्डा स्क्वेयर माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा स्क्वेयर। अब अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख लूँ या उस तरह से भी लिखा रहने दूँ तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 10, और इसके बाद एक पार्ट रह जाएगा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास कॉलम नंबर 1 में 111 मौजूद था, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास रो नंबर 1 में 11 और 1 मौजूद है, लेकिन बात तो ऑलमोस्ट वही है, मतलब कि सेम ही है ना, कि 1 1 और 1 हमारे पास अगर आ जाए तो हमें क्या करना होता है, किसी तरह से कोई सी दो वैल्यूज़ या कोई से दो स्टेप ऐसे होने चाहिए जहाँ पर 0 आ जाए ताकि एक्सपेंशन में आसानी हो। अब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम C2 को C1 में से माइनस कर देते हैं, इसी वजह से मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप अपने राइट हैंड साइड को देखते हुए लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल हम करते हैं C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 करके 0 तो आ जाएगा नो डाउट, लेकिन B माइनस A आएगा, और आप देख सकते हो आपको क्या चाहिए, A माइनस B। ऐसा ही है, इसी तरह से अगर कोई ये सोच रहा है कि हम कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा, C माइनस B, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो b माइनस सी चाहिए। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको a माइनस बी चाहिए ना तो आपको कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस करना होगा। सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2। इसी तरह से अगर आपको b माइनस सी चाहिए तो आपको कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को माइनस करना होगा। सो कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 3। और एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि कोई भी स्टूडेंट कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस नहीं करेगा, क्योंकि हमें कोई से दो स्टेप्स के ऊपर 0 लेकर आना है, तीनों के तीनों 1 को 0 नहीं करना। सो यहाँ पर जब ये दो स्टेप किए जाएंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर करके देखते हैं, C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, A माइनस B A माइनस B, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट यहाँ पर माइनस सॉरी यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी बी माइनस सी, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और कॉलम नंबर 3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब हमारा वो टारगेट कि हमें 0 लेकर आना है अचीव हो चुका, अगला काम हमारा क्या है, अगला काम है हमारा कि हमें इसको एक्सपेंड करना है, प्लस माइनस प्लस। आप अच्छे से जानते हैं 0 के आगे जितनी वैल्यूज़ आती हैं वो 0 ही हो जाती हैं, इस वजह से उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 ऐसे ही रहेगा, माइनस 0 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 के आगे ये जो सा हमारा डिटर्मिनेंट है हम इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी बी माइनस सी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर।
जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, और कोई भी वैल्यू जब वन से मल्टीप्लाई होती है तो वन ही आ जाता है। सो हमारे पास इन शॉर्ट जो वैल्यू बच गई है सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ है ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ को देखा जाए हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये फॉर्मूलाज हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अपने फॉर्मूला को खोलते हैं, ए माइनस बी तो ऐसे ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, बी माइनस सी ऐसे ही आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा बी प्लस सी बी माइनस सी। और ये हो गया हमारा स्टेप कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो a माइनस बी है ना ये कॉलम नंबर वन के अंदर कॉमन है, यानी कि यहाँ पर भी a माइनस बी मौजूद है और यहाँ पर भी a माइनस बी मौजूद है। सो हम क्या करते हैं, टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर वन एंड b माइनस सी फ्रॉम कॉलम नंबर टू। ठीक है, जब हम कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी, क्योंकि हम कॉमन ले चुके होंगे तो उसकी जगह पर आएगा वन, a माइनस बी ऑलरेडी हमारा बाहर है सो इस वजह से उसकी जगह जो सब बाकी बच जाएगी वैल्यू वो लिख लेते हैं a प्लस बी। उसके बाद हमने क्या कॉमन लेना है, b माइनस सी को, यहाँ पर मैंने जगह ही नहीं छोड़ी तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ b माइनस सी। जब मैं इसको कॉमन ले चुकी होंगी तो इसकी जगह पर यहाँ पर आएगा वन और नीचे क्या आ जाएगा b प्लस सी। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत हद तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब सिंपल सी बात है, जिस तरह से एक नॉर्मल 2x2 के मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी पहले लिखना है आपने, b माइनस सी बाद में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से मैंने ऐसे कर दिया था। अब अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी वन जार बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी वन जार ए प्लस बी। सो माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, बी जो है वो बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सी माइनस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इसी के साथ ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट स्टेप और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का जो कि है पार्ट नंबर 11, होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आएगा और इसी के साथ हमारा ये वाला जो सब पूरे का पूरा क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आपकी जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपको फेसबुक के एक पेज का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर मुझसे बात कर सकते हैं। मैं फेसबुक के ऊपर आपकी बात, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसका रिप्लाई कर दूंगी। बट पर्सनल जो सा नंबर है वो मैंने किसी भी स्टूडेंट को कभी नहीं दिया। सो इस चीज़ के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि आपको अगर मुझसे बात करनी है आप फेसबुक पर मुझसे बात कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 11 की तरफ जो कि है हमारे पास कुछ इस तरह से। ज़रा गौर से इसको देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा, कॉलम नंबर वन को कॉलम नंबर टू के अंदर प्लस करके। सिंपल सी बात है, अभी तक तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाती होंगी। सो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बाकी पूरी की पूरी वैल्यूज़ ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ए बी सी को कॉमन ले लेना है। सो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जब आप इसको कॉमन ले लोगे तो जहाँ जहाँ ए प्लस बी प्लस सी था वहाँ पर सिर्फ वन बाकी बचेगा, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। यहाँ पर आपने इसे पहले लिख लेना है टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर मैंने इस वजह से नहीं लिखा था कि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम एक ऐसे स्टेप पर आ चुके हैं जो हम प्रीवियस हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट करते रहे हैं, मतलब कि अगर एक भी जगह पर 111 आ जाए तो उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब सिंपली सी बात है कि हमें यहाँ पर कॉलम नंबर वन में इन दो स्टेप्स के ऊपर ज़ीरो लेकर आना है। आप सब यही सोच रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रो टू में से रो वन को माइनस कर भी देती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस वन करके ज़ीरो आ जाएगा, बी माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए, जबकि राइट हैंड साइड पर आपको क्या चाहिए,
ए माइनस बी। इसी वजह से हर क्वेश्चन में मैं इस चीज़ के ऊपर जोर देती हूँ कि राइट हैंड साइड को देखते हुए अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, आपने अंधाधुंध सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास जो सी वैल्यूज़ थी वो इस तरह से चेंज हो रही हैं कि उनकी जो जगह है ना वो ठीक नहीं है। मतलब कि अगर मैं बी माइनस ए कर देती हूँ तो आंसर में तो मुझे ए माइनस बी चाहिए। सो इसी वजह से मैं क्या करूँगी, इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का क्या ले लूँगी, ट्रांसपोज ले लूँगी। ट्रांसपोज लेने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो वैल्यूज थोड़ी सी चेंज आ रही है ना वो ठीक आ जाएंगी, मतलब कि ए की जगह पे बी चला जाएगा, बी की जगह पे ए, और इस तरह से इसको सॉल्व करना हो जाएगा आसान। सो यहाँ पर आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी। जब आप ट्रांसपोज लोगे इस डिटर्मिनेंट का तो ये बन जाएगा वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि अब हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक आएंगी। किस तरह से, a माइनस बी, हमें a माइनस बी ही चाहिए था, ऐसे ही है ना। उसके बाद b माइनस सी चाहिए तो b माइनस सी कर लो। ये सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन बन गया है, ये वाला, ऐसे ही है, सेम टू सेम हमने इसको इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया है। सेम वही वाले स्टेप्स किए जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देती हूँ किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो ताकि तो वो क्लियर हो जाए। सी वन माइनस सी टू करें एंड सी टू माइनस सी थ्री करें। जब आप सी वन माइनस सी टू और सी थ्री टू माइनस सी थ्री करोगे तो आपके पास सिंपली वही वाला आंसर आ जाएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहे थे, ज़ीरो ज़ीरो वन ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ऐसा ही है, ठीक हो गया। अब ज़ीरो और ज़ीरो लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, सो इस वजह से हम इन दोनों को इग्नोर ही कर देते हैं। जो हमारे पास लास्ट चीज़ थी वन, और उसके अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम यही वाला है, इस वजह से मैं आगे से आपको सॉल्व नहीं करवा रही, डायरेक्टली लास्ट स्टेप की तरफ चलते और फर्दर स्टेप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली ये वाला पूरे का पूरा पार्ट सेम टू सेम वैसे ही चला है जैसे हमने पहले किया था, उसी तरह से ए माइनस बी को हमने कॉलम नंबर वन में से और बी माइनस सी को हमने कॉलम नंबर थ्री में से कॉमन लिया है और नेक्स्ट हमने सॉल्व कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी जो आंसर है वो एज इट इज़ कॉमन हमने लिया हुआ था, इस वजह से ऊपर से एज इट इज़ आता गया और आंसर में भी हमने सेम टू सेम लिख दिया। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री आज कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।